हेलो फ्रेंड, मैं अमित, आप देख रहे हैं ए जी आयुर्वेदा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋतु हरित की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इसे पीजी के लिए बहुत सारे इसे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है, सभी एग्जामों में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके लिए बहुत आसान ट्रिक बनाया हूँ ऋतु और हरित की के अनुपान दोनों के लिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट में हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋतु। तो ऋतु को बात करें तो आपको एक वर्ष में 6 ऋतु होता है। तो कौन कौन सा ऋतु होता है वो देख लेते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत होता है। अब ऋतु के अनुसार हम देखते हैं हरितकी का अनुपान, हम किसके साथ किस ऋतु में हरितकी के अनुपान किसके साथ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शिशिर ऋतु को बात करें तो हरितकी के साथ हम पिपली का सेवन करते हैं। और फिर वसंत ऋतु में हरितकी के साथ मधु का सेवन करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में हरितकी के साथ गुड़ का सेवन करते हैं। और वर्षा ऋतु में हरितकी के साथ सेंधा लवण का सेवन करते हैं। शरद ऋतु में हरितकी के साथ शकरा का सेवन करते हैं। और हेमंत ऋतु में आपको हरितकी के साथ शुंठी का सेवन करते हैं। आपको इसी क्रम में याद रखनी है, क्योंकि इसी क्रम में मैं ट्रिक बनाया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं, ट्रिक से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऋतु का ट्रिक देखते हैं। तो ऋतु का हम ट्रिक के बात करें तो इसमें आपको ट्रिक है शिवागिरी व सहे। फिर से सुने, ऋतु का क्या ट्रिक है? शिवागिरी व सहे। सी मतलब शिशिर, व मतलब वसंत, गिरी मतलब ग्रीष्म, वह मतलब वर्षा, स मतलब शरद और हे मतलब हेमंत। आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि अब हरितकी का जो अनुपान का ट्रिक है इसी क्रम में है। अब हरितकी का अनुपान का ट्रिक देखें तो हरितकी का अनुपान में हम दो ट्रिक बना है, जो कि दोनों आसान है। आप जो आपको अच्छा लगे वो याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक देख बात करें तो पीयूष और मधु गुड़ लेकर सकिरा से मिले। तो पी मतलब पिपली, जो शरद ऋतु में हम हरित के साथ उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं। उसके बाद मधु, वसंत ऋतु में हम हरित के साथ मधु का सेवन करते हैं। और गुड़, तो गुड़ किसके कौन सा ऋतु में करते हैं हरित के साथ? ग्रीष्म ऋतु में हम हरित के साथ गुड़ का सेवन करते हैं। और शकिरा, शकिरा का मतलब यहाँ वर्षा ऋतु में हम सेंधव हरित के साथ सेंधव का सेवन करते हैं। और उसके बाद शरद ऋतु में हरितकी के साथ हम सकरा का सेवन करते हैं। और सी मतलब यहाँ है आपको हेमंत ऋतु में हरितकी के साथ शुंठी का सेवन करते हैं। अब सेकेंड हम ट्रिक की बात करें हरितकी के अनुपान का, तो इसे भी आसान है। आपको कुछ नहीं, आपको पीएम याद रखना है। पीएम गोल्ड लेकर स्त्री से मिला। अब स्त्री कौन है? तो आपको बस पी से हो गया पिपली, म से हो गया मधु, गुड़ से तो गुड़ हो गया। और स्त्री का यहाँ मतलब है, सबसे इसी क्रम में याद रखना है, सेंधव, शकरा और शुंठी आपको याद रखनी है। और ये बस दो ट्रिक था, बहुत आसान था। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ट्रिक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।